वेलकम टू आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स। आपका हार्दिक स्वागत है आज डे 3 में। आज का तीसरा दिन है नो आर्ग्यूमेंट डे, मतलब तर्क वितर्क नहीं करने का दिवस। आपने अपने जीवन में कभी न कभी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब किसी इंसान से हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तब वह लंबी चलती है, कभी कभी उस इंसान से झगड़ा भी हो जाता है, हमारे रिश्तों में कड़वाहट भी आ जाती है। और अगर आप विवाहित हो, शादीशुदा हो, तो आपने जरूर अनुभव किया होगा कि अपने पार्टनर के साथ हमेशा दलील, तर्क या आर्ग्यूमेंट होती ही रहती है। और उस आर्ग्यूमेंट के करने के बाद आपको कोई बेनिफिट हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होता। आर्ग्यूमेंट करने से कभी किसी को भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, उल्टा वेस्ट होता है टाइम और एनर्जी, हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है, रिश्तों में भी कड़वाहट आती है। हमारी नेगेटिविटी को हम स्वयं ही इस तरह बढ़ाते हैं, हमारे अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है वो बढ़ते हैं। और आपने यह भी अनुभव किया ही होगा, आर्ग्यूमेंट की घटना हो जाने के बाद, कुछ समय के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अभी लगता है कि शायद वो सच कह रहे हैं। होता है, ऐसा ही होता है, इसलिए आर्ग्यूमेंट से बचकर रहना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। देखिए, जब हम किसी के साथ आर्ग्यू करते होते हैं तब हम हमारे किसी एक ही पॉइंट पे अड़े रहते हैं, फिर हम हमारी उस बात को प्रूव करने के लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। ये हम हमारे अंदर के ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए करते हैं। मैं ही सच्चा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मेरे सामने वो कैसे बोल सकता है, इस तरह का ईगो अभिमान हमारे अंदर बोल रहा होता है। तो ईगो यानी नेगेटिविटी को हम स्वयं अपने अंदर बढ़ाते रहते हैं, विकसाते हैं, पोसते हैं। यह ईगो हमारी प्रगति के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो या आर्थिक हो, नुकसानकारक होता है। आप समझिए, हमको पता ही नहीं होता है, हम अवेयर नहीं होते हैं कि हम कैसे छोटी छोटी बातों में आर्ग्यू करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में बैठे हैं, टीवी चालू है और मैंने नरेंद्र भाई मोदी को देखकर कुछ उनकी फेवर में बोला, तो उसे सुनते ही मेरी बाजू में बैठी मेरी वाइफ उनके विरुद्ध यानी ऑपोजिट बोलेगी, एग्जाम्पल है, तो मैं फिर से अपना पॉइंट रखूँगा उनकी फेवर में, वो फिर से अपना पॉइंट रखेगी उनके अपोज में। ये चलता ही रहता है, इस बातचीत से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा कभी कभी सामान्य बात बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। और एक बात, आज अगर आपको आर्ग्यूमेंट करने के बाद याद आए कि अरे मुझसे गलती हो गई, आज तो नो आर्ग्यूमेंट डे है, तो आप उस व्यक्ति को तुरंत सॉरी बोलोगे, ये आज का आपका टास्क है। और अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आर्ग्यू करने का बहुत मन कर रहा हो, आप अवेयर हो कि आर्ग्यू नहीं करना है, तो ऐसी सिचुएशन में मन को रोकना ही है, मन में बोलते रहिए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लंबी गहरी सांसें भरिए और मन में बोलते रहिए स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इस तरह आपको आज लेसन करना है। फिर रात को सोने से पहले डायरी पेन लेकर बैठ जाइए और पूरे दिन को याद कीजिए, लिखिए कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे आर्ग्यूमेंट किया और कहाँ कहाँ पे आपने अपने आप को रोका, सफल हुए, सब कुछ लिख कर रखिए। सभी लेसन्स डे वाइज लिखने हैं और याद रखना, डे 1 का लेसन रोज करना है, आज भी डे 3 के साथ भी करना है। तो अब आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे डे 4 में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नो आर्ग्यूमेंट डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।